अभी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ग्रेवयार्ड्स पे जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे कुछ ड्रग अब्यूज़ मानी गंजेडीज वगैरह बैठ के गांजा पी रहे बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन आया। उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करने के लिए हम लोग डॉग स्पॉट जो NDPS डॉग माने जो नार्कोस जो भी ड्रग्स को सेंस करते हैं सूंघ के पकड़ लेते वो ऐसे ड्रग को लेके आए और कई जगह कई कई ग्रेवयार्ड्स को हम चेक किया कि कोई ड्रग्स वहाँ पे है या कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हुए वहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए आए। सर क्या मिला वहाँ पर कोई ड्रग्स का कुछ ऐसा? अभी फिलहाल के लिए कुछ मिला नहीं। ड्रग्स करने वाला यूज़ करने वाला वो एक्चुअली वो हम लोग पिछले जो क्राइम पैटर्न लेके हम लोग ये एक्सरसाइज किया था और साथ साथ हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी है लोकल इंटेलिजेंस से जिसका हम सोर्सेज का नाम नहीं बता सकते, बट ये इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है। बट साथ साथ जो पहले जो क्राइम हुआ उस एरिया में जिसके एनालाइज करते हुए हम लोग को समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे पहले जो ड्रग कंजम्पशन हुआ हम लोग सारी लेके उस एरिया में हम लोग चेकिंग वगैरह किया। रेन बाजार पे हम फारूक ग्रेवयार्ड चेक किया, उसके बाद मौला का चिल्ला चेक किया और जब भवन तालाब कट्टा में बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स थे वो सारी को चेक करते हुए आए थे। तो एंड कई कुछ डार्क प्लेसेस थे और जहाँ बहुत सारी व्हीकल्स रखा था जहाँ चांसेस है लोगों को बैठ के ड्रग्स कंजम्पशन करने के लिए वहाँ पे भी हम लोग डॉग स्पॉट लेके चेक किया। क्या कहेंगे अगर ये ड्रग्स करने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सभी के लिए हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जो भी आपके एरिया में आसपास में कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उन लोग को हम डी एडिक्शन सेंटर्स भेजा जाएगा ताकि उन लोग को फिर वापस जो नॉर्मल लाइफ पे लेके आने के लिए और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। साथ साथ जो ड्रग्स भेज रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा क्योंकि तो ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि बाहर आप अखबार पढ़ते रहेंगे तो कई विदेशों पे ये बहुत नुकसान किया, इकोनॉमी को नुकसान किया। हम लोग अभी ये पूरा आप देख सकते हो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सीरियस है एंड हमारा CP साहब भी इसमें स्पेशल फोकस लिया कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री रखे और जो हमारा सिटी का एसेंस है जो पीसफुल शहर है वो जो अमन का शहर है उसको बरकरार कर रखने के लिए हम लोग सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसमें एक वन ऑफ दी थिंग्स ये ड्रग्स का अगेंस्ट हम लोग सारी जो सप्लायर्स है कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डी एडिक्शन के लिए, जो सप्लायर्स है और बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन लोग के ऊपर ले सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। तो सभी के लिए हम लोग अपील है रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स से दूर रहो और जो भी ड्रग्स बेच रहे हैं हमको इंटीमेशन दे दीजिए। सर कितना पुलिस इसमें पार्टिसिपेट करा सकते? अभी आप देखो यहाँ पे देखे होगा तो आप रेन बाजार का पुलिस, भवन नगर का पुलिस, उसके साथ डॉग स्क्वाड्स देन CAR का प्लाटून भी आए ताकि पूरा एरिया को कवर करना था। जहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन था जैसे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम लोग पूरा एक्सरसाइज किया था। अभी दो दिन के बाद में न्यू ईयर है ना सर, अभी उसके लिए अभी जो न्यू ईयर आए उसके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? जी न्यू ईयर के लिए जैसे हर साल जैसा ही हम लोग व्हीकल चेकिंग वगैरह हर जगह रख रहे हैं, तकरीबन 100 से ऊपर जगह व्हीकल चेकिंग हो रहे हैं ताकि कोई ड्रंकन ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग ना करे। हम सभी को आज शाम को साउथ जोन पे जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट से वाइन से होटल से सबको बुलाए थे ओनर्स को, उनसे भी हम लोग बात किया, उन लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टाइम जो है टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उन लोग का एरिया में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ चाहे वो ड्रग कंजम्पशन हो चाहे माइनर को दारू बेचना हो या चाहे टाइम के बाद का ना वो जमीन टाइम के बाद एस्टेब्लिशमेंट चलाना हो किसी की किसी किस्म की नहीं होना इसके लिए हम लोग क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया और ये भी उन लोग एक्सप्लेन किया था हम लोग कि इनकेस वो लोग वो लॉ का तोड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या एक्शन होगा। और सभी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया मित्रों के द्वारा कि देखो ये ड्रंकन ड्राइविंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो फाइन 10,000 का फाइन के साथ साथ उनका जेल का भी सेंटेंस हो सकते हैं, साथ साथ उनका लाइसेंस पे भी इम्पैक्ट होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है जो भी पार्टी कर रहे जो भी कर रहे पूरा लिमिट पे करें और लीगल कानूनी तौर पे कानूनी और लिमिट से उसको फॉलो करते हुए अपने
न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है सर, आपके लिमिट में जो बार शॉप है जो करेंगे क्लोजिंग का आप एक्चुअली ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने परमिशन आज आज कल शायद एक जीओ निकाला है जिसमें ये दिया गया वाइन शॉप का 12 बजे तक है कल तक, बार शॉप का 1 बजे तक है। तो हम बार 1 बजे और 12 बजे माने 1 बजे तक बंद होना, उन्हीं लोग ये चीज़ हम लोग क्लियर कट तरीके से हम लोग उन लोग को समझा दिया कि 1 बजे बोला तो 1 बजे बंद होना, 1 बजे बोला तो एक पे भी होगा तो उनके ऊपर एक्शन होगा एंड एक्शन भी सख्त कार्रवाई होगा, उनका ये क्लियर कट इंटीमेशन और इंस्ट्रक्शन दिया गया आज। थैंक यू।